हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम इम्पॉर्टेंट वीक 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि टोटली एम्ब्रियो से फीटल बनने की टेंडेंसी, मतलब उसकी पूरी कहानी। इसमें हम क्या देखते हैं, अब तक जो आपका बेबी एम्ब्रियो की तरह ग्रो कर रहा था वो अब फीटस बन जाता है। कैसे बन जाता है, आप इन दोनों में फर्क को जानिए। जैसे कि आपकी इस स्किन, इस लेयर को आप यूट्रस की इनर लाइनिंग समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर ये एक ग्रोथ है तो इसके अंदर भी ब्लड, वही ब्लड जा रहा है जो इन फिंगर्स में जा रहा है, और इसकी ग्रोथ को, इस फिंगर की ग्रोथ को उतना ही पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जितना कि इन फिंगर्स को मिल रहे हैं, यानी कि उस यूट्रस की स्किन को। और अगर ब्लड में कहीं कोई कमी है तो वो डायरेक्ट इस पे असर डालती है। लेकिन अब ये जो फिंगर है वो थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंट हो जाती है, यानी कि इसके चारों तरफ जो एमनियोटिक प्रोटीन का जो लिक्विड है, ये उस लिक्विड को खुद ड्रिंक करने लगता है अपने माउथ से। क्यों? क्योंकि अब आपके बेबी में नॉट ओनली एक्सटर्नल विजिबल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी डेवलप होके अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बेबी की इंटेस्टाइन, बेबी का स्टमक, बेबी का लीवर, बेबी के लंग्स, बेबी का हार्ट, बेबी की किडनी, ये सब धीरे धीरे फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि बेबी ने जो अपने माउथ से, छोटे से लिप्स से जो भी एमनियोटिक प्रोटीन वाला लिक्विड पिया है वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसकी हेल्प से भी ग्रो करना शुरू करता है। और साथ में क्योंकि वो प्लेसेंटा के थ्रू आपका जो ब्लड है मम्मी का वो भी उसमें सर्कुलेट हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ अब डबल स्पीड से होती है। अब तक आपका बेबी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 इंच के बीच का होता है और इसका जो वेट है वो 5-6 ग्राम ओनली, इतना होता है। लेकिन आपका बेबी जिस सैक में होता है, जिस एमनियोटिक प्रोटीन की थैली में होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, बेबी बीच में छोटा सा होता है। अब बेबी का जो हेड है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स लेंथ होता है, यानी कि अगर 2 इंच का आपका बेबी है तो 1 इंच का उसका ओनली हेड होता है। उसका ब्रेन फंक्शन करता है और उसके माउथ में टीथ तो नहीं बनते लेकिन टीथ की जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, वो डेवलप होने लगती हैं। और आफ्टर डिलीवरी आप देखते हैं कि बच्चे के टीथ स्टेम सेल्स की हेल्प से ही आते हैं। और आपने कभी सुना होगा कि कभी कभी बेबी को जब वो बर्थ लेता है उस समय उसका 1 या 2 टीथ भी साथ में आ जाते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट 10th वीक में डेवलप हो जाते हैं। बेबी के छोटे से माउथ में छोटा सा पानी जाता है, वो उसको पीता है, फिर वो डाइजेस्ट करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। जैसे हम जो भी खाते हैं उसका एक्सक्रीशन करते हैं, लाइकवाइज आपका बेबी भी करने लगता है। तो आप देख रहे हो कि उसमें छोटी सी पूरी जान आ जाती है, वो अपना खाता है। उसके फिंगर्स जो होती हैं अब, जो पहले वेब की तरह जुड़ी हुई थी, वो अब फ्रीली मूव करती हैं। उसके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे मूव करते हैं। तो उसका आधा पार्ट तो होता है, आप समझ लो कि ब्रेन, और बाकी आधा साइज होता है उसकी फुल बॉडी का। और उसकी आंखों में सब कुछ है, आईलैश है, आईलिड है, लेकिन अभी वो खुली नहीं है, वो देखता नहीं है। हाँ, उसकी नॉस्ट्रिल्स धीरे धीरे अब 2 भागों में बनने लग जाती है। पहले एक छोटा सा नोज की जगह एक होल होता है, वो अब पूरा 2 होल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके छोटे छोटे से ईयर बन जाते हैं। तो लाइकवाइज आपका बेबी एक, जिसे कहना चाहिए ना नैनो बेबी, वो नैनो बेबी बन जाता है।
और अब इसमें बेबी में तो ये चेंजेस आ गए, लेकिन मदर में क्या चेंजेस आते हैं? आप देखते हो मदर जो है वो पहले से ही कॉन्स्टिपेशन से, बार बार यूरिन जाने से, नौशिया से, थोड़ा पेन से परेशान थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स सेटल होने लगती हैं। कौन सी लेडीज में? 70% वो लेडीज होती हैं जो अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखती हैं, अपना न्यूट्रिशन जो डाइट है वो लेती रहती हैं। लेकिन जो लेडीज ज्यादा पेम्पर्ड होती हैं और या जिनके साथ कोई और डिसीज होती है, वो पर्टिकुलर एक टाइप के फूड पे अपने आप को चलाती हैं 2.5 महीने तक और अपना बैलेंस डाइट नहीं लेती, उनके केस में ये नौशिया, ये कॉन्स्टिपेशन, ये सब क्या होता है? 9 मंथ तक कैरी ऑन होता है। लेकिन जो समझदार लेडीज होती हैं, जो अपना सब आराम से सब कुछ लेती हैं, उसको थोड़ा टॉलरेट करती हैं, उनके केस में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ क्योंकि आपकी बॉडी में 10 वीक्स में बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन चुका है, इसकी वजह से आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और आपका HB अगर कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया है तो HB की कंसंट्रेशन कम होती है, तो आपको प्रॉपरली आयरन, कैल्शियम, ये सारे जो मिनरल्स वाली डाइट है, प्रोटीन वाली डाइट है, ये अच्छे से लेनी है, क्योंकि बेबी की इस समय वो धीरे धीरे आप मूवमेंट करने लगेगा तो उसके मसल्स भी क्या होंगी, अच्छे से डेवलप होंगी। तो आप चाहते हो आपके बेबी की बोन्स अच्छी बने, उसकी मसल्स अच्छी बने, उसकी स्किन अच्छी बने, तो आपने इन सब का ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ चुका है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है आपकी बॉडी में, इसीलिए समटाइम आपको नी के नीचे वेरिकोस टाइप से, यानी कि जो आपकी वेन्स हैं वो विजिबल होने लगती हैं, और आपके अंडर आर्म के पास भी आपको वेन्स विजिबल होने लगती हैं, आपके जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े और ज्यादा हैवी होने लगते हैं। और अभी तक जो आपका बेबी है, जो 10 वीक का बेबी है, वो पूरी तरह से यूट्रस में ही अपने आप को एक्सपेंड करता है, यानी कि अभी वो यूट्रस के ऊपर प्रेशर बना रहा है, लेकिन यूट्रस का प्रेशर बाहर इतना ज्यादा नहीं आता, तो आपकी जो बैली या टमी है वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं आती, क्योंकि जो यूट्रस के अंदर का स्पेस है बेबी अभी उसी स्पेस को कवर करता है। और आपको बहुत मन में रहता है कि मेरी टमी क्यों नहीं दिख रही, या मेरी टमी कब बाहर आएगी, उसमें थोड़ा सा मैं उसको देख पाऊंगी टमी को। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, लेट द ग्रो बेबी, बेबी को अभी आप थोड़ा सा और ग्रो होने दो। और साथ में आप देखेंगे, क्योंकि वेजाइना, अब आप देखिए ये पेन है, अगर इसको फ्री भी छोड़ दिया जाए तो इसका प्रेशर कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। सिमिलरली जो वेजाइना के अंदर वेट बढ़ रहा है, बेबी का वेट तो 5-6 ग्राम्स है, लेकिन ये जो एमनियोटिक प्रोटीन इसके चारों तरफ है, इसका भी तो अपना वेट है, इसके कारण जो इसका वेट है वो इसके नीचे पड़ेगा, और नीचे कहाँ क्या होता है? ब्लैडर होता है। तो ब्लैडर के ऊपर बार बार प्रेशर बनने से आपको बार बार यूरिन जाने की कॉल होती है, और बार बार यूरिन जाने से आपको कई बार UTI, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा फर्क कर रहा है कि ये जो आपको डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, या जो बार बार यूरिन आप जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल है या कहीं इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है? तो इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ बार बार यूरिन जाना होता है या बार बार डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, कोई और आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इरिटेशन नहीं हो रही है, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है, तो इट मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको इचिंग होती है या आपको इन्फ्लामेशन, जलन होती है बार बार, आपको मतलब बहुत इरिटेशन होती है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं,
तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो वेजाइना से होते हुए आपके यूरिन ट्रैक में आ जाता है, आपकी किडनीज तक आ जाता है, ब्लैडर तक आ जाता है, और आपके अर्ली एबॉर्शन का भी एक रीजन बनता है। तो प्लीज बी केयरफुल, अगर आपको बार बार यूरिन जाना हो रहा है और आपको लग रहा है आपकी पेंटी भी गीली हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, या तो नैपकिन यूज करें। आजकल तो मार्केट में तरह तरह के बिल्कुल स्लिम लाइन नैपकिन भी अवेलेबल हैं, नहीं तो आप अपनी पेंटी को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, सो दैट कि उसमें कोई स्मेल नहीं हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और आप हर तरह की प्रॉब्लम से बचते हुए एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे 10th वीक में बेबी और मदर में चेंजेस आते हैं। यहाँ 70% लेडीज अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कि यस इट इज माय डे टू डे लाइफ, और अब धीरे धीरे जब आप उसको एडजस्ट कर लेते हो तो आप खाना भी स्टार्ट करते हो, चाहे आपका पहले वेट कम हुआ है, अब आप धीरे धीरे वेट पुट ऑन भी करेंगे, एटलीस्ट कांस्टेंट तो आपका वेट हो जाएगा, आप थोड़ा सा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। तो ऐसे में आपने क्या देखना है, जो बेबी के होने वाले पापा हैं उन्होंने हेल्प करनी है उसके मूड स्विंग को देखते हुए। अगर उसमें कोई मूड स्विंग है तो जो उसको खाना पसंद है, जो वो अब उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो उसको अगर कहीं बाहर जाना पसंद है या उसको घूमना पसंद है, तो आप छोटा छोटा सा उसको अलाउ कर सकते हैं, उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रहे, एक्सरसाइज अदरवाइज इट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी से पहले कोई भी एक्सरसाइज के यूज टू नहीं थे, तो प्रेगनेंसी आने के बाद आपने कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है, अनलेस एंटिल आप बिल्कुल माइल्ड योगा या आप हल्के से वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रेडमिल या कोई भी एक्सरसाइज आपने या पावर योगा आपने बिल्कुल नहीं करना है, जो आप डे टू डे लाइफ में काम करते थे दैट मच इज सफिशियंट। और आप कोई टेंशन लिए बिना अपनी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आई वुड लाइक टू शेयर वन इंफॉर्मेशन विद यू कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, डॉक्टर बीना सेठी। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाले हैं, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को भी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिली और अच्छी लगी, तो आप इसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी 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 प्रेगनेंसी। थैंक यू। हाँ, बस तो थोड़ा सा।